दोस्तों अगर आप अपना वेट गेन करना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि वेट गेन कैसे करें और इसके ऊपर बहुत सारी कमेंट्स भी आती हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमारे इस वजह से वेट गेन नहीं हो रहा है। तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपको मैं ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो बहुत ही कारगर तरीका है अपने वजन को बढ़ाने के लिए। हमारा वजन बढ़ता कैसे है आप लोगों को, ये सभी लोगों को पता है कि जब हम ज्यादा खाना खाते हैं, मतलब जितना हमारी बॉडी को नीड है उससे ज्यादा खाना खाते हैं, तो हमारी बॉडी उसको स्टोर कर लेती है जिससे हमारा वजन बढ़ने लगता है। तो क्या करना है आपको अपने वजन को बढ़ाने के लिए, देखिए बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहली अपनी टिप पे आएंगे। मैं आपको बार बार ये बात बोलता हूं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोगों को हाई कार्बोहाइड्रेट वाला फूड खाना जरूरी है। लेकिन आप लोग का क्वेश्चन आता है कि हमें पता नहीं कि हाई कार्बोहाइड्रेट का फूड कौन सा है, तो मैं आपको कुछ फूड बता देता हूं जो बहुत ही अच्छे हैं आपके वेट गेन को करने के लिए। सबसे पहला फूड है जो हम लोग नॉर्मली खाते रहते हैं जो कि है आलू, उसके साथ में चावल और रोटी, इन सब में ही कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन जो सबसे अच्छा फूड है वेट गेन करने के लिए वो है हमारा दलिया। अगर आप लोग दलिया खाते हो सुबह, आप लोग सो के उठे दलिया अगर आप लोग खाते हो तो आप लोग का वेट गेन काफी तेजी से होता है। उसी के साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फूड है जो बहुत तेजी से वेट गेन करता है, जिसे बोलते हैं कॉर्नफ्लेक्स। जो भुट्टे का चिप्स बनता है, जो भुट्टे का फ्लेक्स बनता है, उसको आप लोग खा सकते हो। नॉर्मल किसी शॉप पे जाओगे वहां आप लोग पूछोगे भुट्टे का फ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स जिसको बोलते हैं, पैकेट वाला कॉर्नफ्लेक्स मत लेना, नॉर्मल जो खुला कॉर्नफ्लेक्स मिलता है वो अगर आप लोग लोगे तो वो बहुत अच्छा होता है, फिल्टर्ड नहीं होता है, जो आपके वेट गेन के लिए बहुत अच्छा फूड है। उसके बाद में बात करते हैं अपनी दूसरी टिप की। आप सभी को यह बात पता है कि अगर हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है तो हम जो भी खाते हैं वो ज्यादातर हमारे शरीर में नहीं लग पाता है, जिससे हमारा वजन नहीं बढ़ पाता है। और ज्यादातर यह होता क्यों है कि हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी होती है। अगर हम वजन बढ़ाना चाहते हैं और आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी है, तो आपको यह बात का ध्यान रखना है कि अपनी बॉडी में आयोडीन को कैसे बढ़ाएं। कुछ फूड्स आपको बता देता हूं बहुत जरूरी है आपके वजन को बढ़ाने के लिए। बॉडी में आयोडीन की मात्रा ज्यादा रहेगी तो जो भी खाना आप लोग खाओगे वो सही से एब्जॉर्ब होगा, आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो सही से काम करेगा, थायराइड ग्लैंड सही से काम करेगा तो आपका वजन काफी तेजी से बढ़ने लगता है। तो क्या खाना है अपने वजन को बढ़ाने के लिए, आयोडीन को बॉडी में बढ़ाने के लिए, आप लोगों को लेना है एग्स। एग्स में बहुत ज्यादा आयोडीन होता है, आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। उसके साथ में सबसे ज्यादा जो आयोडीन वाली फूड होते हैं वो चीज होता है। अगर आप लोग चीज खाते हो तो चीज आप लोग किसी भी शॉप पे पूछोगे आपको चीज मिल जाएगा, ब्रेड में लगा के या किसी भी चीज में लगा के अगर आप लोग चीज खाते हो तो वेट गेन करने के लिए चीज बहुत ही सही चीज है। उसके साथ में आप लोग को लेना है लीमा बीन। आप लोग अगर सब्जी की दुकान पे पूछोगे लीमा बीन क्या होता है, अगर आप लोग वो खाते हो, उसको उबाल के खाते हो, या अगर आप लोग उसको पानी में भिगो देते हो रात में और सुबह उठ के खाते हो, तो बहुत तेजी से वेट गेन होगा। उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, हाई फाइबर होता है, जो कस के आप लोगों का वेट गेन करता है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट टिप की। आप सभी को यह बात पता है कि वजन बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ज्यादा से ज्यादा हमें खाना होता है। तो अगर आप लोग को वेट गेन करना है तो आप लोग को हर 3 घंटे के गैप पे कुछ ना कुछ जरूर खाना है। और क्या खाना है यह भी आप लोग को ध्यान रखना है। हर 3 घंटे का जब भी आप गैप लोगे उसके बाद में आप लोग को हाई कार्बोहाइड्रेट वाली चीज खानी है, जो मैं आपको सबसे पहली टिप में बता चुका हूं। जो भी चीजें मैंने बताई हाई कार्बोहाइड्रेट वाली वो आप लोग को खानी है, नहीं तो आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हो हाई कार्बोहाइड्रेट फूड, उसमें जो जो फूड दिखाए गए हैं वो सभी खाने से आपका वजन तेजी से बढ़ने लगेगा। उसके बाद बात करते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि वजन बढ़ाने के लिए आपको केवल खाने से वजन कभी नहीं बढ़ने वाला। जब तक आप लोग वर्कआउट नहीं करोगे, एक शेड्यूल डिसाइड नहीं करोगे वर्कआउट करने का, तब तक आपका वजन नहीं बढ़ने वाला। आप लोग को क्या करना है, अगर बेसिक वर्कआउट अगर आप लोग लेग्स के लिए स्क्वाट्स कर लेते हो और आप लोग नॉर्मल पुशअप कर लेते हो, केवल ये 2 वर्कआउट अगर आप लोग करोगे तो भी आपका वजन बढ़ेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि हफ्ते में केवल 3 दिन वर्कआउट करना है। ज्यादा वर्कआउट करने से भी हमारा वजन कम रह जाता है, क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हम कैलोरी लॉस करते हैं, तो कैलोरी लॉस हमें नहीं करना है। हफ्ते में केवल 3 दिन वर्कआउट करो, वजन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। जब एक बार वजन बढ़ जाए तो आप लोग चाहे जितने दिन वर्कआउट करना चाहो कर सकते हो, बस 1 दिन का रेस्ट लेके चाहे जितने दिन वर्कआउट करो। लेकिन जब तक वजन कम है तब तक केवल 3 दिन वर्कआउट करो। और जैसे ही आप लोग वर्कआउट खत्म करो, वर्कआउट खत्म करने के बाद में हाई प्रोटीन का फूड लेना बहुत जरूरी है। मैंने इस पे वीडियो बनाया है, आई बटन में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में, जो जो हाई प्रोटीन के फूड होते हैं मैंने उसमें बताया है। और उसी के साथ में अगर आप लोग सेहत किंग का इस्तेमाल करते हो, जैसे ही वर्कआउट हमने खत्म किया उसके तुरंत बाद में अगर आप लोग सेहत किंग का इस्तेमाल करते हो
तो ये आपकी मसल्स ग्रोथ भी करेगा और आपका वेट गेन करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। कैसे इस्तेमाल करना है सेहत किंग मैं आपको बता देता हूं। देखो जैसे ही हमने वर्कआउट खत्म किया, तुरंत वर्कआउट खत्म करने के बाद में आप लोग को सेहत किंग का एक चम्मच लेना है और इसको हल्के गुनगुने दूध में आप लोग या तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें आप लोग को एक चम्मच डालना है और मिला के इसको आप लोगों को पी जाना है। तो वर्कआउट के बाद जैसे ही आप लोग इसको पियोगे तो आप लोग देखोगे कि धीरे धीरे समय के साथ में आपका वजन तेजी से बढ़ने लगेगा। आप लोगों को देखो स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, अगर आप लोग सेहत किंग के बारे में जानना चाहते हो या फिर आप लोग सेहत किंग को ऑर्डर करना चाहते हो तो फोन करके भी इस नंबर पे आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। साथ में मैं सेहत किंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो वहां से जाके भी आप लोग इसे ऑर्डर कर सकते हो। अगर एक दो महीने ढंग से आपने सेहत किंग का इस्तेमाल कर लिया तो आप लोग का वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। उसी के साथ में आप लोग इस बात का भी ध्यान रखना कि सेहत किंग तो यूज कर रहे हो लेकिन उसके साथ में आप लोगों को कुछ चीजें छोड़नी होंगी तभी आप लोग का वजन बढ़ पाएगा। देखिए आप लोग को ध्यान रखना है कि फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाना है, फास्ट फूड हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं फास्ट फूड खाएंगे जल्दी से वजन बढ़ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आप लोग को। आप लोग को जो भी आप लोग कबाब पराठा बर्गर हो गया या आप लोग का वड़ा पाव हो गया, चीज बर्गर हो गया, चीज पिज्जा हो गया, ये सब जो आप लोग खाते हो ये आप लोग के पेट के लिए बहुत खराब होता है, आप लोग का डाइजेशन खराब करता है। और सबसे जरूरी चीज, जब आप लोग का एक बार डाइजेशन खराब हो जाएगा तो जो भी चीजें आप लोग खाओगे सही से पचेंगी नहीं तो शरीर में लगेंगी कैसे। इसलिए एक बात का ध्यान रखना कि आप लोग को फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाना है अगर आप लोग तेजी से अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं। जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई ये सारी चीजें अगर आप लोग का फ्रेंड कोई पतला है, कोई रिलेटिव आप लोग का घर में कोई भी पतला है, उन सभी को ये सारी टिप्स बताना, वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों में शेयर करना। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि हाई प्रोटीन के फूड कौन कौन से होते हैं तो स्क्रीन पे समय जो आप लोग को वीडियो दिख रहा है इस वीडियो को आप लोग क्लिक करके देख लो, इसमें आपको बताया गया है कि हाई प्रोटीन के फूड कौन कौन से होते हैं, वो भी सस्ते फूड जिन्हें खा के आप अपनी मसल्स गेन, अपना वेट गेन बड़ी आसानी से कर पाओगे।